नमस्कार भारद्वाज, आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम जानने वाले कैश डिपॉजिट करेंट अकाउंट। तो इसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि करेंट अकाउंट जो है उसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। आप होम अकाउंट में जमा करेंगे उसके लिए कुछ अलग तरह की सर्विस है, नॉन होम में जमा करेंगे उसके लिए कुछ अलग तरह की फी या चार्जेज है, अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो अलग फी या चार्जेज है। इसके इन सब के अलावा एक और सर्विस होती है जो कि बैंक देती है करंट अकाउंट होल्डर्स को या फिर सेविंग्स अकाउंट होल्डर को भी देती है। तो ये सर्विस होती है डोर स्टेप बैंकिंग। अब इसमें क्या होता है कि बैंक के तरफ से एजेंसीज जो है वो ये काम करती हैं। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंचाइजी है, आपको सारी फ्रेंचाइजी से कैश कलेक्शन करना होता है, तो आप ये कर सकते हैं। मतलब बैंक की तरफ से एजेंसीज आएंगे, वो कैश लेंगे और डिपॉजिट कर देंगे आपके अकाउंट में। तो एक बड़े स्तर पर भी हो सकता है, छोटे स्तर पर भी हो सकता है, लेकिन कैश डिपॉजिट अगर बहुत ज़्यादा होता है तो आप डोर स्टेप बैंकिंग जरूर ले लें, क्योंकि इससे होगा क्या, बैंक अपने रिस्क पे पैसे उठवा कर ले जाकर आपके अकाउंट में जमा करेगा। तो इससे अच्छी सुविधा और आपको क्या चाहिए, इससे आपका ह्यूमन रिसोर्स भी बचेगा और आपको परेशानी भी कम होगी। आपको बस गिनकर थोड़ा सा पेपर वर्क करना हो तो वो करके दे देंगे, डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू से पैसे जमा हो जाएंगे। और अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस है तो भी उसमें भी ये काम आएगा, बैंक जो डोर स्टेप बैंकिंग टीम हायर करेगी, वो पैसे कलेक्ट करेंगे आपके आपके अकाउंट पहुँचा देंगे। और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।